वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। मैं हूं रवि, यह है गैंगस्टर राहुल। देख रहे हो लुक, बिल्कुल गैंगस्टर वाला लुक दे रहा है, एकदम लंडा। देख रहे ना भाई, क्या का सामने क्या रखा है। हाँ। दो बड़े बड़े ब्रांड रखे हुए, उनका कंपैरिजन आने वाला है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी। बिल्कुल, तो टोरा तो बनता थोड़ा बहुत, टोरा तो बनता थोड़ा बहुत। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, बातें स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पूर कर ले, थोड़ा हवा का टाइम दे जरा। बिल्कुल, हवा को टाइम दे देते हैं। चलो भाई, मैं देता हूँ पासपोर्ट को टाइम, तू दे रेड लेवल को टाइम। क्या बात है, आजकल फील मैं बहुत तोड़ रहा हूँ। ये बॉय, अब शादीशुदा हो। बोतलों की बात कर रहा हूँ। मैं भी बोतलों की बात ही कर रहा हूँ भाई, तुम क्या चले जा रहे हो। चलो भाई, तो ये आपकी रिक्वेस्ट के लिए एक स्पेशल ब्रांड न्यू रेड लेबल की बोतल लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। पासपोर्ट हमने थोड़ी बहुत बचा ली, हमने कहा कि भाई रिव्यू तो करना ही है, उसका और कोई इस्तेमाल ना हो तो कंपैरिजन के लिए तो इस्तेमाल हो जाएगा कम से कम। तो कते खत्म हो, जहर है कते। है ना, अब आप सोच रहे होगे कि हम इतनी बुराई भी करते हैं और बोतल भी खत्म कर रखी है। पार्टी हुई थी न्यू ईयर की, महीन दौड़ी चला दी थी हमने, चला देते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये दोनों रेड लेबल एक आप ले लो। थैंक यू। ठीक है, ये मेरी पासपोर्ट, ये आपकी पासपोर्ट। ओके, ठीक है, तो बीच में दोनों पासपोर्ट है हमारी, इधर और उधर रेड लेबल है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो भाई राहुल स्टार्ट करते हैं, और देरी ना करते हुए बताओ जल्दी से। हाँ। किससे स्टार्ट करोगे, कलर से या नोजिंग से? भाई सबसे पहले स्टार्ट करो लेफ्ट से, रेड लेबल से। रेड लेबल से। हाँ। तो मेरे को रेड लेबल का कलर ना थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा रेड लेबल वाली जो रेड टिंट मेरे को लगता है इसमें। हाँ। कलर ना, कलर में अगर मैं कहूँ कि बाजी किसने मारी है, तो भाई कलर में बाजी रेड लेबल मार चुकी है ना। हाँ। थोड़ा सा प्रीमियम कलर लगता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कलर एडिड होता ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट सही अमाउंट में सही तरीके से ऐड किया हुआ है। और भाई, अरे जॉनी वॉकर है। एग्जैक्टली, जॉनी वॉकर है, मतलब बहुत साल का एक्सपीरियंस है, इनको पता है दुनिया क्या मांगती है और ये देते हैं दुनिया। तो दोनों बोतल की हिस्ट्री क्या है और वो क्या कहती हैं और क्या उनकी बैकग्राउंड रहा है और क्या टेस्ट प्रोफाइल रहा है, उसकी जाके आप हमारा वीडियो देखो, मजा आ जाएगा आपको। आई कार्ड पे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देखना। बढ़िया सा चखना भी बनाया है, और पासपोर्ट का तो जरूर देखना भाई, आपके पैसे बचेंगे। बिल्कुल। खैर, हमारा काम है अपने पैसे खराब करना और आपको बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन देके आना। तो हम दो दो तीन तीन बोतलें ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, मतलब क्या बताएं, लोग इतना वो करते हैं हमें। इसका कंपैरिजन कर दो, उसका कंपैरिजन कर दो, मतलब लोग हर तरीके से तोल के देखना चाहते हैं कि पासपोर्ट कहीं स्टैंड कर रहा है। वो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा खराब ना हो। चलो कोई बात नहीं, हम हैं इसलिए चैनल में लाया ये। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इसका हमें रिक्वेस्ट करी थी इसका कंपैरिजन के लिए। आप कंपैरिजन वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पे, आप देखिए कंपैरिजन वीडियो। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, उसमें आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी, पता लगता रहेगा कि नई वीडियोस कौन सी आने वाली है। बिल्कुल, स्नीक प्रीव्यू भेज देता है हमारा कैमरामैन, अरे एक नंबर आदमी है भाई। भाई चलिए, तो और देरी ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी कलर की बात कर ली है, जल्दी से नोजिंग पे आते हैं। बिल्कुल, तो रेड लेबल से स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल। मजा ही आ जाता है जब किसी स्कॉच को आप नोजिंग करते हो, वो भी एक्सपीरियंस मास्टर ब्लेंडर्स की स्कॉच को। ऐसा लगता है कि अरोमा को सूंघते जाओ सूंघते जाओ, रुको मत, कंटिन्यू, मजा आ गया। चलो, बहुत अरोमास है। पासपोर्ट स्टार्ट, नोट्स अच्छे हैं, प्लेजेंट हैं, लेकिन इतना ना हाई नहीं है कि आपको बिल्कुल ही टच कर जाए, आपको फील कर जाए। थोड़ा सा स्पिरिट बर्न है। हाँ, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, बट मैं आपको पहले ही बताया रेड लेवल का है इनका जो बेस, बिल्कुल बेसिक है ये जॉनी वॉकर के लाइनअप में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा है उखड़ा उखड़ापन मिलेगा आपको, थोड़ा सा मतलब पानी मिलावट वाला दूध है ये। इसके में थोड़ी आर्शनेस ज्यादा है, मतलब ये ना एकदम से स्मेल के साथ ही ना, स्नोजिंग के साथ ही ना, मतलब हल्का सा चुभती है ये, हल्की सी थोड़ी सी ना। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ये हार्शनेस है इसमें रेड लेबल में, बट थोड़ा सा फ्रूटी फ्लोरल फील हो जाता है इसमें। हार्शनेस आपको ज्यादा पता चलेगी, उतना ज्यादा एक दो स्पाइस पता चलेंगे, फ्लूटी फ्लोरल तो नहीं पता चलेगा, तो बी वेरी ऑनेस्ट नोजिंग के टाइम पे, है ना। चलो भाई, टेस्ट भी कर लो रेड लेबल को। चलो भाई, वही है हार्शनेस, बर्निंग, थोड़ी चॉकलेटी। ठीक है, पता है क्या, इसमें हार्शनेस है बट ना
डिसअपॉइंटिंग वाली नहीं है, ये बताती है कि हाँ भाई मेरे अंदर स्पिरिट है। हाँ ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया पैलेट में रखते ही चॉकलेटी आपको फील हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी चॉकलेटी थोड़ी सी फ्रूटी आपको फील हो गई है, मीठी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये मीठी नहीं लगती है, ठीक है, कुछ लोगों को लगती है, कोशिश मत करना मीठी होने की। और पीछे से बड़ी की आप आवाज सुन रहे होंगे, आज हमने उसको वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, तो पीछे से मैं आऊंगा थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, जल्दी से उसको रिहा कर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट, बिल्कुल वही कड़वा मेलन वाला टेस्ट लास्ट में, मतलब मेरे को रिफंड चाहिए, रवि आई वांट रिफंड, मुखा टेस्ट खराब हो गया भाई, मेरे को रिफंड चाहिए। तो रिफंड ले, मैं पहले मुखा टेस्ट सही करूं, रिफंड चाहिए कंपनी, आई वांट रिफंड। चढ़ गई सराटे नाल। तो भाई कहानी ऐसी है, पासपोर्ट तो नहीं है यार मेरे लिए, तो नहीं है तेरे लिए, अरे मैं कहूंगा कोई रेड किल वगैरह आता है तो मैं थोड़ा सा खा लूं, तो वो थोड़ा ठीक है मेरे लिए। भाई पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने इसको स्कॉच की कैटेगरी में डाला हुआ है, स्कॉच की कोई वो है कोई जिसको कैटेगराइज करते हो भाई अवार्ड अवार्ड देने में, भाई कोई बोलते हो कि भाई पासपोर्ट को अवार्ड दे दो, या पासपोर्ट को अगर अवार्ड भी मिला हुआ है ना, थोड़ा सा बजट कैटेगरी वाला मिला हुआ है, मतलब कि आई डोंट थिंक अवार्ड भी मिला है, इट्स जस्ट दैट कि हां बजट कैटेगरी में उसको कंसीडर कर लिया जाता है। अरे बता नहीं यार कैसे स्कॉच में डाल रखा है भाई, इसे डालो तुम ठर्रा दास देसी हो में भाई। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल, मतलब 1100 रुपए में अगर कोई स्कॉच आ रही है, अरे तो 1200 रुपए में, 1200 रुपए में हां यार, तो आप देखो अच्छी अच्छी मतलब बढ़िया वाली रेंज जो आप एंजॉय कर सकते हो वो स्टार्ट होती है 14 एंड अबव से, 1400 रुपए एंड अबव से, तो ऑब्वियसली ये फिर पासपोर्ट की मतलब स्कॉच की कैटेगरी में एक ठर रही है, ठीक है, कि जस्ट कि आपको स्कॉच पीनी है तो आपने कुछ उठा ली है। तो भाई मैं कहूंगा यार मतलब छोड़ो यार, पानी मिला दिया, मिला दिया, आगे बढ़ ले जल्दी खत्म घर से। ये कौन सी रेड लेवल? ये रेड लेवल तरह स्नोजी कर ले, माइल्ड हो गई, हल्की स्मूथ हो गई यार, थोड़े फ्लेवर्स वगैरह मालूम पड़ रहे हैं, थोड़ा अरोमा है इसके अंदर, प्लेजेंट है। पासपोर्ट पहले से मतलब नोजिंग के टाइम पे आप पता है पानी मिलाते हैं तो थोड़ी मेलो हो ही जाती है, ये बहुत ज्यादा ही मेलो हो गई है, टेस्ट पे डाल दे, हो सकता है मैंने शायद गलती से ज्यादा डाल दियो, नहीं नहीं ठीक डाला भाई, चीयर्स, पानी तो ठीक डाल दे, दारू तो गलत डालता है, ठीक है, वाटर के साथ यू कैन गो फॉर इट, रेड लेबल अच्छी लग रही है। और रेड लेबल जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ इसका स्पिरिट ना टेमिंग, मेरे को लगता है कि टेम करने वाला स्पिरिट है, मतलब कि काबू कर, अगर इसके स्पिरिट को आप काबू कर लो ना, कैसे काबू करोगे, कॉकटेल्स बना के, कॉकटेल्स बना के इसके स्पिरिट को अगर आप काबू कर लो तो काफी अच्छे अच्छे कॉकटेल्स निकल आते हैं इससे, इसलिए ज्यादातर पब्स में इसको कॉकटेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रीमियम में, बट अगर नीट पीनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे एक पैदान और ऊपर जाओ, आप ब्लैक लेबल लेके आओ, वो भाई आप मेकिंग तो चैनल से आता बताओ, चलो भाई इस पे आओ पासपोर्ट पे, चीयर्स। क्या बोलेगा, नया साल स्टार्ट हो चुका है, मेरे दुश्मन होता है ना उसके सर पे बोतल मार देता हूं मैं, खत्म कर देता इसको आज, क्योंकि पता भी अभी बची हुई है, अभी भी कंपैरिजन में जाएगी साली, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है इससे, क्योंकि इसको मिलने वाला कोई नहीं है, ना तू है ना मैं हूं। हमने ना अपने काफी सारे फ्रेंड्स को मिल बुलाया, उनको भी पिलाया, टेस्ट कराया, और उनको भी पसंद नहीं आई, ठीक है, अब पता नहीं क्यों इतनी बिक रही है, देखो हर किसी का टेस्ट है, लोग कुछ लोग बजट भाई एक को तो पिलाया वो कहता भाई आईबीएच पे पी रहा है तू, मतलब कि क्या तेरे को स्कॉच पिला रहा हूं साले, और तू कह रहा है मतलब समझ रहे हो आप पासवर्ड की, ये तो ही ना। चलो ये था आज का रिव्यू और या कंपैरिजन रिव्यू, बिल्कुल, एंड आई होप आपको पसंद आया, देखो मैं यहाँ पे कौन विनर है वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है, इन एनी केस रेड लेवल ही विनर है, ठीक है, अच्छा मैं हाथ उठा देता हूँ उसके लिए, रेड लेवल इज द विनर, ये डाउन, ये लो हो गया, आज भाई का थोड़ा ज्यादा हो गया, अरे मेरी खटक निकल रही है, दो बदले वैसे मैं खर्च करता हूँ भाई, बिल्कुल। चलो तो जल्दी से खत्म करेंगे, पीछे से गालियां आ रही हैं, खाना स्टार्ट करना है,
चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये प्यार बनाते रहिए और आगे भी फैलाते रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के, इंटरेस्टिंग से रेसिपीज के साथ और इंटरेस्टिंग से कैमरा मैन वर्क के साथ आपको आगे मिलते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे कि नई नई स्कॉच कौन सी आ रही है और उसका कंपैरिजन भी आपको करके दिखाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, और रवि की पिछले वीडियो में जो रेसिपी आई थी वो आपको कैसी लगी। बिल्कुल, तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए रिव्यू, एक नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए मेरे और राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से, अच्छा जी, चीयर्स।